बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। इसको हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इस ये वीडियो देखने के बाद आपको सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। गारंटी हम आपको देते हैं, तवज्जो आप हमें दीजिएगा। शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। देखिए, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम डिफिनेशन करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास वो स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसका एक खास शेप भी होता है और खास वॉल्यूम भी होता है। देखिए, अदर स्टेट ऑफ मैटर अगर लिक्विड और गैसेस की हम बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, डेफिनेट वॉल्यूम उनका होता है, लेकिन लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। अगर मिसाल मैं आपको दे दूँ, पानी को आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दो तो पानी क्या कर लेगा, पानी उस बर्तन के का शेप इख्तियार कर लेगा जिसमें आप उसे डाल रहे हो, लेकिन पानी का वॉल्यूम वही वॉल्यूम रहेगा। इस बर्तन में जो पानी का वॉल्यूम था वो इस बर्तन में भी रहेगा। सो लिक्विड हैज़ डिफिनेट वॉल्यूम बट दे हैव नो डिफिनेट शेप। इसके बरक्स अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस का जो वॉल्यूम है और शेप है वो फिक्स नहीं होती। अगर गैस को हम इस कमरे में छोड़ दें तो वो गैस इस पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो गैसेस का एक खास वॉल्यूम नहीं है और गैसेस का एक खास शेप भी नहीं है। इसके जो बरक्स ये जो सॉलिड स्टेट्स हैं, जिस तरह ये मार्कर, इसका एक खास शेप भी है, इसका एक खास शेप भी है और ये एक खास वॉल्यूम भी ऑक्युपाई कर रहा है। तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम डिफिनेशन करें तो वो हमारे पास ये सॉलिड स्टेट हमारे पास वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसका एक खास शेप भी होता है और एक खास वॉल्यूम भी होता है इसका। सो स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डिफिनेट शेप एंड डिफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, अब सवाल ये आ रहा है कि ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड से और गैसेस से डिफरेंट क्यों है, मतलब लिक्विड और गैसेस का डिफरेंट शेप और वॉल्यूम क्यों नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। सॉलिड पार्टिकल्स में जो हमारे पास सॉलिड स्टेट में जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। अब इस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। अब सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाते। इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं, तो जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाते, दे आर नॉट मूवेबल। So that is why, because of strong intermolecular forces, they have definite shape and definite volume. और दूसरी बात, सॉलिड मॉलिक्यूल्स तो मूव नहीं करते जिसकी वजह से इनमें फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन नहीं होता। सॉलिड पार्टिकल में डिफ्यूजन का फिनोमेना नहीं होता। अब अगर इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से हैं। अब इसके स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, देखिए, सॉलिड स्टेट हैज़ डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। ये मैंने आपको बताया कि इनका एक खास शेप और खास वॉल्यूम होता है, वजह है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, रिजिडिटी कहते हैं सख्त को। अगर कि कोई चीज़ सख्त हो, उर्दू में हम उसे कहते हैं वो रिजिड है, सख्त है। तो रिजिडिटी ये है कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर रिजिड। इसकी प्रॉपर्टी, सॉलिड की खसूसियत ये है कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स सख्त होते हैं। अब सख्त हो क्यों होते हैं, सख्त इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो, इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनके पार्टिकल्स मूव नहीं करते, वो एक ही जगह पर होते हैं। और अगर इसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको तोड़ने की फोर्स अप्लाई अगर हम करें तो ये रिजिस्ट करता है उस फोर्स को, दे रिजिस्ट डिफॉर्मिंग फोर्स। एग्जांपल देता हूँ आपको कैसे। देखिए, ये एक मार्कर है, इसको अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूँ तो मुझे इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा और ये फोर्स ये तोड़ने को क्या कर रहा है, रिजिस्ट कर रहा है, ये नहीं चाहता कि मैं टूट जाऊँ। तो सॉलिड पार्टिकल्स हमारे पास रिजिड होते हैं इसलिए क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं एंड दे रिजिस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, अब आते हैं डेंसिटी की तरफ।
सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं इनमें डेंसिटी ये है, इनकी सबसे हाई डेंसिटी होती है। सॉलिड स्टेट की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा हाई है। डेंसिटी की अगर हम डिफिनीशन करें तो डेंसिटी इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी इससे हमें पता चलता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सही है। अच्छा, अब अगर हम ग्राम एक कंटेनर ले लें, कंटेनर अगर हम ले लें और कंटेनर में हम 5 ग्राम ऑफ गैस डालें, 5 ग्राम ऑफ गैस क्या कर लेगा, वो इस पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। जब वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगा तो वो इस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है ना। तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी कम होगी। गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा है, गैसेस की डेंसिटी कम है। अच्छा, अब इसमें अगर हमने 5 ग्राम लिक्विड डाल दिया, 5 ग्राम लिक्विड अगर हमने इसमें डाल दिया तो वो लिक्विड क्या कर लेगा, वो यहां नीचे फैल जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो कम है एज कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस पूरे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को ऑक्यूपाई कर रहा था जबकि लिक्विड सिर्फ इस नीचे वाले लेयर को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो लिक्विड का वॉल्यूम गैस से कम होगा जिसकी वजह से लिक्विड की डेंसिटी गैस से ज़्यादा होगी। अब अगर हम इसमें 5 ग्राम सॉलिड डाल दें, अगर इस लेयर को हम हटाएं और हमने इसमें 5 ग्राम सॉलिड डाल दिया तो 5 ग्राम सॉलिड यहीं पे आके बैठ जाएगा। तो क्या कर रहा है, सॉलिड लिक्विड से भी कम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। तो सॉलिड लिक्विड से कम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, इस वजह से सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से भी ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज द हाई देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज हाई देन द डेंसिटी ऑफ गैसेस। वजह यह है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब आते हैं डेंसिटी की तरफ। देखिए, अगर डेंसिटी की हम डिफिनीशन करें तो द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब अगर इसका इक्वेशन हम लिखें तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहाँ से हमें अंदाज़ा पता चलता है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतनी डेंसिटी कम होगी। अब आपको समझाता हूँ कि ये सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड और गैसेस से ज़्यादा क्यों है। देखिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने 5 ग्राम गैस डाल दिया, 5 ग्राम गैस हमने इसमें डाल दिया तो वो पूरा गैस इस पूरे कंटेनर में फैल जाएगा और जितना वॉल्यूम है कंटेनर का वो गैस पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। तो दिस गैस ने क्या कर लिया, हाई वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की वजह से गैस की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, अब इसमें हमने 5 ग्राम इससे ये गैस निकाल दिया। अब इसमें गैस की जगह हमने यहाँ पर 5 ग्राम लिक्विड डाल दिया तो लिक्विड क्या करेगा, वो यहाँ नीचे वाली सतह पर फैल जाएगा। गैस इस पूरे का वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को ऑक्यूपाई कर रहा था जबकि ये लिक्विड सिर्फ नीचे वाले तह को ऑक्यूपाई कर रहा है। लिक्विड का वॉल्यूम गैस से कम है तो लिक्विड का वॉल्यूम कम होने की वजह से लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी एज कम्पेयर टू गैस। अब अगर इसमें हमने ये 5 ग्राम लिक्विड भी निकाल दिया, इसमें हमने 5 ग्राम सॉलिड रखा, 5 ग्राम सॉलिड हमने डाल दिया तो वो बस यहाँ पे आके हो रह जाएगा। अब ये 5 ग्राम जो सॉलिड है ये लिक्विड से भी कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसकी डेंसिटी लिक्विड से भी हाई होगी। सो द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पर कि सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम डिफिनीशन करें तो मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टेट चेंज टू लिक्विड स्टेट। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट हमारे पास लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये मॉलिक्यूल्स टाइटली बॉन्डेड होते हैं तो ये मूव नहीं कर सकते, ये सिर्फ वाइब्रेशन कर सकते हैं। दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन,
सही है. सो द सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे कैन ओन द ओनली काइनेटिक एनर्जी दे हैव इज द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. ओनली दे हैव ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. इनके पास सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है. ये अगर इस सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी जगह अपने मेन पोजीशन से वाइब्रेट कर सकते हैं. सो द सॉलिड पार्टिकल्स हैव ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. और अगर हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करें तो इनकी ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. अब अगर इसको हम कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करें तो इसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और एक स्टेज ऐसा आएगा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ देंगे और वो क्या बन जाएंगे, वो मोबाइल बन जाएंगे, वो मूवेबल बन जाएंगे. दे विल बिकम मोबाइल मूवेबल. वो हरकत करना शुरू कर देंगे और जिस टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल अपने मेन पोजीशन अपने फिक्स पोजीशन को छोड़ के मूवेबल होना शुरू हो जाए, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. अच्छा, मजे की बात बताता हूँ आपको. देखिए, मेल्टिंग पॉइंट में जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट. मेल्टिंग पॉइंट में टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा. वजह ये होगी जो हीट हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में यूज़ होगी. जो अगर हम किसी सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं, ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड विल रिमेन कांस्टेंट. वजह ये होगी जो इसे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इट विल बी यूज टू ब्रेक द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. ये इस सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए यूज होंगी. इस वजह से मेल्टिंग में सॉलिड पार्टिकल्स का टेम्परेचर जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है. सही है. अच्छा, जो प्योर सॉलिड्स होते हैं उनमें उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है. और इस मेल्टिंग पॉइंट से जो प्योर सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और इस मेल्टिंग पॉइंट से हम इसकी प्योरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्योर सॉलिड है तो वो एक ख़ास टेम्परेचर होगा कि वो इस टेम्परेचर पर मेल्ट होता है. अब अगर वो इस टेम्परेचर से ज़्यादा ले रहा है या उस टेम्परेचर से कम ले रहा है तो हम समझेंगे कि इस सॉलिड में इम्प्योरिटी होगी, क्योंकि ये अपने फिक्स मेल्टिंग पॉइंट से कम या ज़्यादा पर मेल्ट हो रहा है. सो सॉलिड पार्टिकल्स है प्योर मेल्टिंग पॉइंट एंड बिकॉज ऑफ दिस मेल्टिंग पॉइंट इज यूज एज अ स्टैंडर्ड टू यूज द प्योरिटी टू चेक द प्योरिटी ऑफ सॉलिड. सॉलिड की प्योरिटी चेक करने के लिए हम ये मेल्टिंग पॉइंट भी यूज़ करते हैं. अच्छा, अब ये मेल्टिंग पॉइंट इसलिए फिक्स होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल जो प्योर सॉलिड होते हैं इनके दरमियान पार्टिकल्स बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न में अरेंज होते हैं. सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में प्रॉपरली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ. अब अगर हम एक पार्टिकल को एक पॉइंट को जितना हीट देंगे अगर उतना हीट हम दूसरे पॉइंट को भी दें तो वो क्या हो जाएगा, तो वो दोनों पार्टिकल्स अपनी पोजीशन छोड़ देंगे एक साथ एक टेम्परेचर पर. तो इस वजह से हमारे पास जो प्योर सॉलिड्स होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं. बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें. अल्लाह हाफिज़.